Hi so to this video. अगर आप इस वीडियो को चेक कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम आने ही वाला होगा और अगर आप इस वीडियो को यहां पर देख रहे हो सो so मैं बस आपसे एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो मेक श्योर के आप अपना हंड्रेड दोगे इस एग्जाम में इफ यू आर वॉचिंग आपका ये एग्जाम आने वाला है इन फ्यूचर यू विल गिव योर हंड्रेड बाकी अभी इस वीडियो में मैं आपको आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा सिस्टर मतलब जो भी आपका सिलेबस होता है एग्जाम पैटर्न होता है वो सब हम इस वीडियो में समझ लेंगे बट मेक श्योर ये वीडियोस देखने से तो काफी आपकी हेल्प होगी बट आपको 100 परसेंट अपना फोकस बनाना होगा कि वॉट एवर वॉट एवर यू आर गेटिंग इन द एग्जाम यू विल गिव योर हंड्रेड फॉर क्रैकिंग इट ठीक है So, आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में सबसे पहले हम यहां पर प्रोफाइल्स के बारे में बात करेंगे ऑफर so, किए जाते हैं सी टी सी फॉर निंजा यूजी ऑफर होता है थ्री पॉइंट थ्री सिक्स लैक्स रुपीज एंड सीटी फॉर निंजा पीजी ऑफर होता है थ्री पॉइंट फाइव थ्री लैक्स रूपीज एंड दिस वन इज द बेसिक पोजिशन एंड आई वुड सजेस्ट वन थिंग टीसीएस निंजा के लिए कभी भी फाइट मत करना इफ यू आर गिविंग टीसीएस एनक्यूटी ऑलवेज ट्राई टू टारगेट प्राइम देखो अगर आप प्राइम को टारगेट करोगे उसके हिसाब से प्रिपरेशन करोगे अगर थोड़ी बहुत कुछ चूक हो भी गई तो आपको क्या मिलेगा डिजिटल मिलेगा चलो काफी ज्यादा भी चूक हो गई तो क्या मिलेगा आपको निंजा मिलेगा बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ मिल जाएगा लेकिन कभी यह मत सोचना कि नहीं मैं तो टारगेट ही निंजा को करूंगा क्योंकि अगर पहले से ही अपना टारगेट छोटा लेके चलोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है सो दिस वन इज द लोएस्ट प्रोफाइल टीसीएस निंजा दे आर ऑफरिंग यू थ्री पॉइंट थ्री सिक्स एल पी है दैट इज टीसीएस डिजिटल दे आर ऑफरिंग यू अराउंड

डिफिकल्ट प्रोफाइल टू ग्रेप बिकॉज इस प्रोफाइल के लिए यू नीड टू प्रिपेयर हार्ड यू नीड टू बी गुड ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट बिकॉज टीसीएस निंजा और टीसीएस डिजिटल यहां पर बाकी साइड्स को जज करती है टीसीएस डिजिटल में कोडिंग जज करती है बट टी सी एस प्राइम इज मोर टेक्निकल प्रोफाइल सो दे टेक्निकल एस्पेक्ट सो मेकरेशन है एंड ये जो वर्क आपको मिलेगा इसमें टीसीएस की प्राइम प्रोफाइल एलोकेट होने के बाद यू विल बी The work द will be good. So I suggest बी वेरी गुड profile को ही target करें आगे बढ़ते हैं सबसे पहले द तो पैटर्न आपको देखो कुछ भी सस्पेंस में नहीं डालूंगा एक बार मैं पूरा पैटर्न समझा देता हूं देखो फाउंडेशन सेक्शन और एडवांस सेक्शन ये दो सेक्शन आते हैं सेम ही पेपर में आते हैं जब आप पेपर देने को बैठोगे ना तो आपके एक ही पेपर में ये दोनों सेक्शन होंगे पार्ट वन होता है फाउंडेशन पार्ट टू होता है एडवांस पार्ट वन जो है आपका फाउंडेशन सेक्शन

so if you want to grab the tcs ninja profile you need to perform good in the foundation foundation section theek hai so suppose agar cutoff yahan par tcs ke taraf se 70 nikala jata hai so agar aapke foundation mein 70 hain then you will be eligible for tcs ninja okay now they will check your marks in the advance section so this is not for ninja advance section is completely for digital and prime okay so suppose agar iska cutoff 80% hai एंड इफ यू स्कोर ओनली सेवेंटी परसेंट क्या होगा देन आपको टीसीएस निंजा के लिए इंटरव्यू आ जाएगा बट अगर इसका कट ऑफ एटी परसेंट यू एबल टू सिक्योर एटी फाइव परसेंट सपोज देन क्या होगा एडवांस सेक्शन में अगर आपके 85% आ गए हैं तो यहां पर आपको डिजिटल और प्राइम में से किसी एक प्रोफाइल के लिए कंसीडर किया जाएगा

अगर आप सिक्योर स्पॉट पे जाना चाहते हो मेक श्योर कि आप 75 टू 80 तक का स्कोर करने की कोशिश करो बट जो कट ऑफ है 70 के अराउंड यहां पर रह सकती है बट अपना टारगेट हमेशा रखना कि आप एटलीस्ट 80 परसेंट तक जा पाओ बिकॉज देखो कट ऑफ का कुछ भरोसा नहीं रहता हमेशा कट ऑफ अलग अलग होती है कट ऑफ हो सकता है इंक्रीज हो जाए तो आपका काम क्या होगा कि आप मैक्सिमम जितना आप टारगेट कर सको वो आप करो

न में शायद आपको डिजिटल एलोकेट हो जाए ऑल्सो जो एडवांस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का सेक्शन आएगा

फॉर वर्बल दिस इज इजी वट इज द रीजन ऑफ इजी देखो वर्बल में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव मिनट्स हैं सो सीधी बात है कि हर क्वेश्चन को पर क्वेश्चन को कितना टाइम दिया यहां पर वन मिनट सो अगर यहां पर केवल एक मिनट टाइम दिया जा रहा है फॉर वन क्वेश्चन दैट मीन्स जो लेवल है वो क्या होगा इजी होगा और जब पिछली बार भी वर्बल का यहां पर एग्जाम हुआ तो सब बच्चों ने बोला कि जो वर्बल का एग्जाम था काफी इजी था बट जो सबसे ज्यादा दिक्कत आई वो पता है कहां पे आई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और आप किसी से भी पूछ लेना वो आपको यही बोलेगा कि अगर वर्बल का कोई सबसे डिफिकल्ट पार्ट है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बिकॉज जो पैसेज आता है थोड़ा सा बड़ा होता है लेंदी होता है एंड द प्रॉब्लम इज कि जब आप लेंदी पैसेज में फंस जाओगे द प्रॉब्लम इज कि आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है सो so आपको क्या करनी है कि आपको पैसेज की यहां पर प्रैक्टिस काफी अच्छी करनी है अगर आप पैसेज की प्रैक्टिस काफी अच्छी कर लोगे तो so डेफिनेटली आप बहुत अच्छा यहां पर परफॉर्म कर सकते हो वर्बल के लिए बाकी का जो इसमें लेवल आता है वर्बल का वो ईजी रहता है बट जो बाकी का चीजें हैं वो तो ईजी रहेंगी ज्यादा डिफिकल्ट आएंगे बट जो पैसेज है ना पार्ट वो थोड़ा लेंदी हो जाता है बाकी रीजनिंग का लेवल मीडियम रहता है क्वांट का लेवल भी यहां पर मीडियम रहता है सो डिफिकल्टी क्वांट और रीजनिंग की मीडियम रहती है और वर्बल की ईजी आती है क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में आपको ट्वेंटी क्वेश्चन रहे हैं टाइम ट्वेंटी फाइव मिनट है

डेटा इंटरप्रिटेशन सिंप्लीफिकेशन न्यूमेरिक एबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है सो मेक श्योर के आप इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन को कवर करके जाए देन रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट कोडिंग रिकॉर्डिंग डेटा सफिशियंसी डेटा अरेन्जमेंट एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन स्टेटमेंट कंक्लूजन

देन वर्बल की बात करते हैं तो उसमें सेंटेंस कंप्लीशन वर्ड कंप्लीशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैरा जंबल्स एरर डिटेक्शन सेंटेंस बिल्ड्स अरेंजमेंट आइडम एंड फ्रेजेस सो देखो इसमें जो सेंटेंस कंप्लीशन है आपको पता ही होगा सेंटेंस एक दिया है उसको आपको कंप्लीट करना है वर्ड्स कंप्लीशन में आपको वर्ड फिलफिल करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बता दिया पैसेज पढ़कर आपको आंसर देना पड़ता है जंबल्स क्या होते हैं जिसमें आपको अलग अलग जंबल सेंटेंस दिए उसको आपको करेक्ट करना है एरर डायरेक्शन पता है आपको क्या होता है एरर ढूंढना है सेंटेंस बिल्डिंग भी आपको पता ही होगा कि एक करेक्ट सेंटेंस बिल्ड करना है अरेंजमेंट आइडिया एंड फ्रेजेस ये सब आपको चीजें पर प्रिपेयर करनी है फॉर वर्बल देन आगे बात करते हैं एडवांस कोडिंग की तो एडवांस कोडिंग में यू विल बी गेटिंग वन ईजी वन मीडियम लेवल क्वेश्चन बट डिपेंडिंग अपॉन के आपके फेस में कैसा क्वेश्चन आता है देखो समटाइम्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस इन द कोडिंग सेक्शन ठीक है समटाइम्स वेरी वेरी इजी समटाइम्स दे गिव वन

आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सही हो पाए देन टॉपिक्स के बारे में बात करें सो एरे स्ट्रिंग्स यहाँ पर आपका 90% काम खत्म हो जाता है क्योंकि मेजरली अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो एरे और स्ट्रिंग्स से ही देखने को मिलेगा एरे और स्ट्रिंग्स ही आपसे पूछा जाता है बाकी बिट मैनिपुलेशन है कन्वर्जन है मैट्रिक्स स्टैक क्यू मैप्स एंड सेट्स बाकी बिट मैनिपुलेशन आपको पता होगा क्या होता है जो बिट्स पे चलता है कन्वर्जेशन मतलब बाइनरी बाइनरी टू हैगजा बाइनरी टू ऑक्टा ऑक्टा टू डेसिमल ये जो ये सब क्वेश्चन होते हैं कन्वर्जन में आते हैं बाकी मैट्रिक्स भी एरे जैसा ही हो गया क्यू आपको पता है मैप और सेट ये सारे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ठीक है अब यहाँ पर एक नेक्स्ट वीडियो हम डालने वाले हैं जो हो related, कि होगी यहाँ पर प्रिपरेशन रिलेटेड क्या आप टीसीएस के लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो उसके लिए एक पूरी सेपरेट वीडियो में बना के डालूंगा आई होप इससे आपको पूरा सिलेबस तो कवर हो ही गया होगा सिलेबस समझ में आ गया होगा सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड मेक श्यूर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग